देखिए आज क्या है, मोमो मोमो ये देखिए, मोमो से मोमो, मोमो से मोमो, मोमोज है मोमोज। आज मैं शाम को आया है खाने के लिए मोमोज। यहाँ पर एक प्लेट लिया है तो प्लेट में सारे ही निकाल लेंगे। और ये वाइट सॉस है तो वाइट सॉस के साथ बच्चों को पसंद आता है, उन्हें तीखी नहीं पसंद होती है तो वाइट सॉस के साथ खाएंगे। और आप लोग भी ले लीजिए। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और ये फ्रेंड्स देखिए, ये चावल है तो चावल को मैं थोड़ा यहाँ पर साफ कर रही हूँ और इनकी थोड़ी पढ़ाई भी देख रही हूँ साथ में। और चावल मेरे साफ़ हो गए हैं तो इनको धुलकर रख देंगे। मैं ना हमेशा से चावल को धुलकर थोड़ी देर रख देती हूँ, आधा घंटा 10 मिनट, ये भीग जाते हैं तो बनाती हूँ तो बहुत अच्छे ही चावल बनते हैं। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ भगोना और दूध पकाने वाली हूँ। दूध हमने सारे निकाल लिया, गैस जलाया तो गैस पे रख दी हूँ, अभी इसको धीरे कर दे रही हूँ। काम बेटा, क्या ली हो? बोतल। बोतल की क्या करी हो? अपना बेबी ढकी। बेबी ढकी हो? हैंड वॉश। क्या है? मेरा बेबी गिरे ना वाला हैंड वॉश है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। और मैंने मेरे पास बॉटल नहीं थी तो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ा सा इसमें छेद कर दिया है और ये अच्छे से फिर यहाँ से निकल जाते हैं। देखिए कहाँ चढ़ी है निकाला, ये देखिए कितना अच्छा है ये, है ना? यहाँ पे हम लोग धुलेंगे हैंड। पानी गिर रहा। ये बर्तन धो रही हूँ मैं, शाम के बर्तन हैं थोड़े से हैं, ये ले जाते हैं टिफिन तो वही टिफिन उफिन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ बर्तन को। और ये हैंड वॉश है तो जो रिफ़िल पैक आते हैं ना सूखे वाले, तो वही मैंने ये मंगाए हुए हैं, पहली बार मैंने मंगाया है, यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। और देखिए दूध में हमारे उबाल आ गया है, दूध हमारा पक गया है तो इसको हम उतार के रख देंगे। और ये चावल है, मैं यहाँ पे चावल अपने डाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर मैं नींबू के शरबत बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में गर्मियों में, मैं बनाती रहती हूँ। और थोड़ा सा इसमें नींबू चीनी और हल्का सा नमक डाल दीजिए ना तो ये ग्लूकोज का काम करता है गर्मियों में, बहुत ही फ़ायदा करता है पेट के लिए और पानी की कमियों में भी दूर करता है, तो पीते रहना चाहिए बनाकर बीच बीच में नींबू के शरबत। तो शरबत हमारा बन गया है, थोड़ा समय पहले चीनी लेके उसको घोल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। तो शरबत हमारे घुल चुके हैं और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ शरबत को। लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी पी लीजिए नींबू का शरबत, अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा। अभी सब नहा के आ रही हैं, नहाई हुई है। Thank you.
फ्रेंड्स ये आटा है, मैं यहाँ पे आटा चाल रही हूँ और बच्चे चले गए हैं अपना घूमने के लिए, तो आटा हमारा गूंथ चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, चावल हमारे बन चुके हैं, सब्जी हमारी बनी हुई है, तो रोटी यहाँ पर हम सेक लेंगे। ये आम है तो मेरी बड़ी बेटी अभी ऊपर आई थी तो वो देकर चली गई है, अभी इसको मैं धुल के लगाने वाली हूँ फ्रीजर में, तब तक ठंडा हो जाएगा खाना खाते समय। और आम बहुत ज़्यादा पसंद है तो मांगती हैं, तो मैं यहाँ पे धुल ले रही हूँ आम को। आम को धुलने के बाद फिर मैं इसे फ्रीजर में लगा दूँगी। ये देखिए धुल गया है, तो अभी मैं इसको जा रही हूँ लगाने फ्रीज में। ये दो मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि आते ही बच्चे मांगेंगे। यहाँ पे हमने रख दिया है, आओगी मठा बनाऊंगी अंदर ये देखो। तुम गई थे ये हाथ चप्पल सैंडल हाथ में लेकर आई हो, घूमने गई थी। हाँ। और बताता लाए, फिर मैंगो लाए और क्या चाहिए जो अभी मैंने बताया, आटा मैंगो। हाँ। अच्छा खाओगी खाना, चले निकाले। हाँ चलो, हाँ बन गया। बच्चे घूम कर वापस आ गए हैं और ये लाए हैं मट्ठा, तो गर्मी का मौसम है तो ठंडा ठंडा पीते रहना चाहिए पेट के ठंडे के लिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मट्ठे में डाल दे रही हूँ जीरा नमक चाट मसाला काला नमक रायता टाइप का बना दे रही हूँ, तो खाने के साथ में खा लेंगे। और आम है, आम हमारे ठंडे हो चुके हैं तो आम को भी मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। आम हमारे कट हो चुके हैं और रायता भी हमारा बन चुका है। फ्रेंड्स खाना हमारा बन चुका है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में, और बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, गर्मी बहुत हो रही है तो कपड़ों पे सब उतार उतारी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।